ठीक है, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैडम जाने थे अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइव सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वील सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, गिव मी सम मैसेजेस प्लीज। ओके, कोई है यहाँ पर जो इस बात को लेकर के बहुत अपसेट है कि उनके जो ड्रीम्स है कहीं ना कहीं वो शट डाउन हो गया। उन्होंने कुछ सोचा था, कोई प्लानिंग वानिंग कर रहे थे, प्रॉब्ली किसी मैरिज को लेकर के बहुत एक्साइटेड थे या किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, बिकॉज दिस इज़ द ड्रीम कार राइट। तो कोई प्रोजेक्ट को लेकर के वो बहुत हाई होप्स में थे एंड एकदम से उनके एक्सपेक्टेशंस क्रैश हो गए। ठीक है, जैसे कि या ये पर्सन अभी बहुत रोना धोना कर रहे हैं, सेइंग कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया है एंड मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। मुझे सपने दिखाए गए, मुझे बताया गया था कि ये सारी चीज़ें पूरी होंगी बट देन ये पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी एंग्री। लीब्रा पाइसिस यहाँ पर है, ये पर्सन बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं इस वक्त, या इट्स अ कार्मिक फेमिनिन। ठीक है, जो चिल्ला मिल्ली कर रहे हैं, देर काइंड ऑफ देट मिल वायलेंट हियर। ठीक है, देर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना चल रहा है यहाँ पर, जिससे भी हो सक रहा है सबको पकड़ पकड़ के बोल रहे कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया है। एंड वो एक बहुत वो क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं सबको जताने बताने के लिए कि देखो मेरे साथ बहुत गलत हो गया है यहाँ पे, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बट एंजल्स आर सेइंग लाइक ये अपने बारे में भूल जा रही है, वाओ, विच टेल्स मी कि ये पर्सन ये तो कह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है इस वक्त वो बहुत गलत हुआ है, बट उन्होंने जो पास्ट में किसी और के साथ किया था वो उसके बारे में नहीं भूला। विच टेल्स मी कि इस पर्सन को उसका कारमा मिल रहा है, कि किसी और के साथ किसी और को धोखा दिया था सपने वपने दिखा करके, लास्ट मोमेंट में बैकआउट किया या चीट किया, वट एवर इट इज़, एंड उन्हें इस पर्सन को उसी का कारमा मिल रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को लेकर के बहुत टेंस है। ठीक है, कि मेरा फाइनेंस यहाँ पर रोक दिया गया है, अब मैं क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगी। ठीक है, कैसे मैं अपने बिल्स भरूंगी। दिस पर्सन वाज गेटिंग मैरिड फॉर मनी। ठीक है ना, इस दिस ये किसी के किसी एक लवर को उसने डंप किया दूसरे लवर के लिए क्योंकि उसे पैसे चाहिए, तो उसे पैसा वाला एक लवर चाहिए था, बट देन उसने जिसे चुना उसके साथ उसका रिलेशनशिप टूट चुका है। ठीक है, द मैरिज हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, या ये एंगेजमेंट टूटा है यहाँ पर। ठीक है ना, एंड अब ये जो कार्मिक फेमिनिन है एब्सोल्युटली अंधेरे में आते हैं और अपने कार्मा को जैसे जैसे उसे वो रिसीव कर रही है वैसे वैसे शी इज़ गेटिंग वायलेंट। ठीक है, इमोशनली डिसबैलेंस माइट बी अर कैंसर वर्गो, बहुत ही डिसबैलेंस सिचुएशन है। दिस पर्सन इज़ वेरी वायलेंट, मैं बार बार करके कह रही हूँ, हाथ पैर उठा हाथ उठाना एंड फाइट्स पिक करना, अपने बात को मनवाने के लिए दिस पर्सन कैन गेट रियली वायलेंट। ठीक है, या वी गॉट लियो हियर, ये कोई लियो हो सकता है जो इस बंधन से अपने आप को मुक्त किया है। ठीक है, या देर सेइंग यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, आखिरी मोमेंट में उन्होंने कुछ देखा इस टॉक्सिक फेमिनिन में जिससे उनका दिमाग ठनका, सेइंग कि नहीं आई कैन नॉट बी विथ सच अ पार्टनर, पूरी ज़िंदगी में ऐसे एक इंसान के साथ नहीं रह सकता, ऐसे एक टॉक्सिक फेमिनिन के साथ। उन्होंने कुछ तो देखा है यहाँ पर इस कार्मिक फेमिनिन के बारे में, प्रॉब्ली उन्हें इस बार दे रियलाइज़ की शायद ये सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही है
या फिर कुछ तो ऑफ, यहाँ पर कुछ तो उन्होंने देखा है इस कार में फेमिनिन के बारे में, जो उन्हें एक वेकअप कॉल दिया है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के नहीं जाना चाहिए. एंड देव शट डाउन द साइकिल, ठीक है, विद दैट वर्ल्ड कार्ड देव शट डाउन द इंटायर साइकिल. लाइक एक झटके में ये पर्सन ने गोस्ट कर दिया इस कार्मिक फेमिनिन को, एंड ये कार्मिक फेमिनिन अब लॉस्ट हो गई. इट्स लाइक उसने अपने एक्स के साथ या जिस किसी के साथ भी उसने धोखा किया था, जैसे वो पर्सन एकदम से लॉस्ट हो गए थे. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ एंड क्यों हुआ. उनके पास कोई कोई सवालों के जवाब नहीं थे. ठीक उसी तरीके से इस कार्मिक फेमिनिन को भी एग्जैक्टली उन्हीं इमोशन से गुजरना है. वो गुजर भी रही है, ठीक है, जहाँ पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है. उसके पास सवालों के जवाब नहीं उसे मिल रहा है. या शी इज़ फीलिंग लाइक लिटरली क्रेजी. वो कंपेयर कर रही है कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मैंने कितना अच्छा किया था, बट फिर भी इस पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया. बट पीपल आर नॉट लिसनिंग टू अ, लोगों को कहीं ना कहीं उसके आसपास वालों को पता है कि वो किस किस्म की पर्सन है, ठीक है. एंड पीपल आर जस्ट लुकिंग एट हर एंड मन ही मन दे आर लाइक तुझे तेरा कार्मा ही मिल रहा है बिकॉज यू डन अलॉट. या ये पर्सन इस वक्त अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो छटपटा रही है, ठीक है. बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं. लाइक नॉट आई डोंट फील कि ये सुसाइड करेगी. दीज आर ऑल नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में दौड़ रहा है कि कैसे यहाँ पर और तमाशा क्रिएट किया जा सके और ड्रामा क्रिएट किया जा सके, ताकि मैंने जो सोचा था कि मेरी शादी होगी या मुझे वो प्रोजेक्ट या जॉब मिलेगा, मुझे वो हासिल होगा, प्रॉब्ली वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा, कैसे मैं जैसे तैसे करके उसे बस हासिल करूँ, ठीक है. वो बस अपना बात मनवाने के लिए शी इज़ थिंकिंग ऑफ सम वेरी टॉक्सिक चीज़ों को अपने दिमाग में, कि कैसे वापस इस मास्कुलिन को बांधा जा सकता है या फिर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाया जा सकता है. हाउ डू आई डू इट. जैसे ये पर्सन ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेगी. ये कार्मिक फेमिनिन ब्लैक मैजिक के लिए, अगर वो खुद ऑफकोर्स अगर उसे करना नहीं आता है तो वो लिटरली किसी प्रैक्टिशनर को हायर कर सकती है, ठीक है, जस्ट टू गेन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. बहुत ही टॉक्सिक आइडियाज है इसके. बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी है. बहुत ही ये जिसके साथ भी आज ये मैसेज रेजिनेट कर रहा है, प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज मैंने पहले भी रीडिंग किया था एंड आई सेड कि मार्स राहु का जो ये ट्रांजिशनल एनर्जी है, ये नेगेटिव चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा. सो ये पर्सन का जो इसे जो इतने टॉक्सिक आइडियाज़ आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली मार्स एनर्जीज एनर्जी के साथ एक्चुअली एक्शन भी लेने की क्षमता रखेगी एंड कुछ बहुत ही खतरनाक वो कर सकती है ये कार्मिक फेमिनिन, ठीक है ना. लॉट ऑफ अग्रेशन, ऐसे भी वो अग्रेसिव है, ऑब्सेसिव है, टॉक्सिक है. ऊपर से ये अगस्त 10 तारीख तक की जो एनर्जी है वो इसे और भी ज़्यादा बल मिल जाएगा. वो और भी तेज़ी से ये जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह करने का प्लान कर रही है, वो बहुत तेज़ी से इसे अपने प्लान को एक्शन में लेकर के आएगी, ठीक है. या शी इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी वेरी टॉक्सिक. ये सीधा स्पिरिचुअल लेवल पे हर्ट करने के फिराक में है. लाइक समहाउ वो आपके आपके सोल पर अटैक करने के बारे में सोचिए, कि समहाउ कि अगर ओ अच्छा तुम मुझसे शादी नहीं करोगे या मैंने जो चाहा है तुम मुझे वो नहीं दोगी, मैं तुम्हारे सोल को ही स्कार कर दूंगी या उसे इंट्रैपमेंट में डाल दूंगी. आई डू समथिंग रियली हॉरिबल एंड बैड टू यू.
सेइंग आप एक डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, जो ये कार्मिक फेमिनिन इस वक्त आपको अपने अपने टारगेट में लिया हुआ है। ये कार्मिक फेमिनिन है जो डिवाइन फेमिनिन के पीछे हाथ धो करके पड़ी है। डिवाइन मास्कुलिन भी हो सकते, देखो डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ गई है, ठीक है। वो आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन को रोकने के लिए, उसमें एक ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए भी एक ब्लैक मैजिक थ्रो कर सकती है, ठीक है। आप दोनों में से जो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है, जिसकी भी अवेकनिंग हो रही है, जो भी अपने स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लाइक अपना ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉब्ली ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, जिसे एक झटके से उसके आँखों में पड़ी पट्टी हट गई है और वो उस कार्मिक को देख करके रेकग्नाइज कर लिया उसके बिहेवियर से, या कुछ डिवाइन ने उन्हें दिखाया जिससे उन्हें क्लैरिटी मिल गई कि नहीं ये कार्मिक फेमिनिन है एंड मुझे इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप आगे नहीं लेकर के जाना चाहिए, तो वो अलग होने का उन्होंने फैसला किया। एंड व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू, वो बदला लेने वाले उस वाइब में आ गई है एंड वो आपके कनेक्शन पे, बिकॉज दिस पर्सन नोज कि डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन सीधा अपने चेसर के पास वापस लौट के आएंगे, सो वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए आपके पर्सन के या फिर आपके कनेक्शन के ऊपर कोई कर्स वगैरह, कोई ब्लॉकेज वगैरह वो डालने की कोशिश करेगी ताकि आप लोग साथ ना आ सको। या वो आपके यूनियन की एनर्जी को डिस्टॉर्ट करने की, उसे पॉइजन करने की कोशिश करेगी। दिल बी वेरी केयरफुल जिसके साथ ही आज ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। ये कार्मिक फेमिनिन के ज़बरदस्त कुछ चाइल्डहुड वूंडिंग्स है, ठीक है, इसकी कुछ टॉक्सिक आदतें हैं, इसे इसका कोई एडिक्शन है, कोई सेक्सुअल एडिक्शन है इसका। वो बच्चों को लेकर के भी ऑब्सेस्ड है, लाइक उसे लगता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो शायद वो इस मास्कुलिन को रोक पाएगी, अपने साथ बांध सकती है, और वो ऑलरेडी ऐसा कुछ ट्राई कर चुकी है। प्रॉब्ली यहाँ पर फॉल्स प्रेगनेंसी पकड़े जाने की वजह से ही ये मैरिज टूटा है या समथिंग। ये बेसिकली बदला लेना चाहती है, लाइक शी ट्राई एवरीथिंग आपके रियूनियन को रोकने के लिए, वो कुछ भी करेगी। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।